आज हम पढ़ने वाले एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। जो हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन लिमिट्स को निकालने के लिए हमारे पास सर्टेन एक्सपेंशंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो आप सबको ये एडवाइस किया जाता है कि उनके जो एक्सपेंशंस होते हैं उनके एक्सपेंशंस को आज हम देखें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के दौरान आपको वो एक्सपेंशंस याद हो जानी चाहिए। आपको याद है हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपसे ये कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज ये आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं रटना है बैठ के सुबह से लेकर शाम तक। अगर रट लो और दिमाग में सेट हो जाए, उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आप करते हैं और उसमें आप उनको यूज कर पाते हैं बेस्ट, या फिर क्वेश्चंस को इतना प्रैक्टिस कर दो कि आपको वो फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज याद हो जाए, ठीक वही बात यहाँ पर भी वैलिड है कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स को निकालने के लिए सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो बड़े ध्यान से हम कुछ एक्सपेंशंस देखने वाले हैं। एक्सपेंशंस विच आर वेरी यूजफुल, ठीक है, इनको ध्यान से आप देखिए। पहला एक्सपेंशन है 1 + x^n। ये सिंपल एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसका रिजल्ट का डेरिवेशन बाइनोमियल से कोई भी निकाल सकता है। ये होता है NC0, NC1, NC2, NC0 x^0, NC1 x^1, NC2 x^2 टिल NCn x^n। ठीक है, तो ये सारे सारे एक्सपेंशंस को हम बाइनोमियल में देखते हैं और इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है वो कुछ ऐसा होता है 1 + nx + n(n-1)/(n)(n-1)/(n)(n-2)/(3). बेसिकली ये 2 की जगह 2 फैक्टोरियल होता है, x³ + ऐसे ऐसे चलता जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, इसको बड़ी लिम कर देता हूँ। इसको हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, बहुत एक्सटेंसिवली। आपको मालूम हो मैथमेटिक्स में ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम ये कहते हैं, मैथमेटिक्स में हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि एक्स इज वेरी 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 लेस देन 1। ठीक है, तो वहां पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 1 + x^2 / n=1 + n। ठीक है, आज वही रिजल्ट हम देखने वाले हैं कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा हो कि लिमिट x→0 हो, तो ऐसे में हमारा एक्सपेंशन 1 + nx बन जाता है। जब x→0 होने वाला होगा तो x² तो और छोटा हो जाएगा, x³ विल बी मच 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 स्मॉलर देन x, x^4 इज मच 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 मोर स्मॉलर देन x, और वो तो इतना छोटा हो गया कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो हम सब लिमिट्स को देखेंगे। तो आज का पहला एक्सपेंशन हमने ये देखा कि 1 + x^2 / n जो होती है वो ये होती है। ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन भी होता है जिससे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सपेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, log^(n)(1+x) अगर हो तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा। इसका एक्सपेंशन बताने का मैं आपको सिंपल एक तरीका बता दूं कि पहली टर्म होती है x, दूसरी टर्म होती है x²/2, तीसरी टर्म होती है x³/3, देन कम्स x^4/4, लाइक दिस। अब इसमें हमें साइन पुट करने हैं। साइन पहला तो शुरू होता है पॉजिटिव से, दूसरा हो जाता है निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर और आपको वैसे करके दिखाऊं कि आपको एकदम से कभी ध्यान आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव है। पहला तो पॉजिटिव हो गया +x, दूसरा माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर क्या हुआ, प्लस हो गया। तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस बनता रहता है, ऐसा एक्सपेंशन हमारा log^(1+x) बन जाता है। ठीक है, तो इसी से क्या आप 1 - x का एक्सपेंशन निकाल सकते हैं अगर हम x की जगह -x रखते हैं तो। ठीक है, अगर हम x की जगह -x रखते हैं देन वी विल हैव ऑल द साइंस नेगेटिव। ठीक है, ये बात समझ में आई।
इसमें क्या होंगे हमारे सारे लॉग, इसी से आप ड्राइव कर सकते हैं कौन सा, फ्रॉम हियर यू कैन डिराइव, डेट इज ऑल अप टू यू, लॉग बेस ई वन माइनस एक्स, वो क्या बन जाएगा हमारा एक्स प्लस सॉरी माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सॉरी फिर से माइनस होगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, उसमें सब माइनस माइनस चलता जाएगा, कोई दिक्कत? तो अब ऐसा ही हम नेक्स्ट एक एक्सपेंशन और देखने वाले हैं, थर्ड एक्सपेंशन। बुक्स में लॉग वन माइनस एक्स अलग से दिया हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि यू शुड एबल टू रिमेम्बर, लॉग वन प्लस एक्स को याद रखिए, लॉग वन माइनस एक्स हमेशा याद रहेगा, लॉग वन प्लस एक्स को याद रखिए, लॉग वन माइनस एक्स हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट एक्सपेंशन हम देखने वाले हैं ई की पावर एक्स का। ई की पावर एक्स में क्या होता है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर प्लस, ऐसे से सब प्लस होते जाएंगे, और अपॉन में क्या होगा, फैक्टोरियल, वन का फैक्टोरियल, टू का फैक्टोरियल, थ्री का फैक्टोरियल, फोर का फैक्टोरियल, जो ऊपर पावर है उसका नीचे फैक्टोरियल, ऐसे टर्म्स को अगर हम जोड़ना शुरू करते हैं तो वो हमें ई की पावर एक्स दे देता है। क्या दे देता है, ई की पावर एक्स। ठीक है, तो क्या आप लोग इसी से ई की पावर माइनस एक्स निकाल सकते हैं, ये आप खुद निकालेंगे, इसको मैं यहाँ खाली छोड़ रहा हूँ। अब हम चौथा एक्सपेंशन और देखने वाले हैं, और वो चौथा एक्सपेंशन है ए की पावर एक्स का। ए की पावर एक्स क्या कहती है कि ये एक्सपेंशन क्या होगा, वन प्लस एक्स लॉग बेस ई ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल लॉग बेस ई ए का स्क्वायर, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फोर्थ जो है वो एक जनरल है ए टू पावर एक्स। तो क्या आप एक बात ध्यान से यहां देखेंगे कि जो थर्ड एक्सपेंशन है ई की पावर एक्स, एक्सपेंशन नंबर थ्री इज नथिंग अ डेरिवेशन फ्रॉम फोर्थ। अगर आप फोर्थ में ए की पावर एक्स पर ई की पावर एक्स रखें तो आपको ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन निकल कर आ जाएगा। ट्राई करके देखें क्या, क्या हम इस चीज को ट्राई करके देखें। अगर मैं इसकी तरफ यहां पे रखता हूं कि पुट ए इज इक्वल टू ई, ए तो कुछ भी हो सकता है, थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना, ई तो पता है ना लॉगरिथमिक ई होता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है, ये हम नाइन्थ और टेंथ में पढ़ते हैं। ई की वैल्यू क्या होती है अमित, ई की वैल्यू क्या होती है वैसे लॉगरिथमिक में, सब लोग प्राइवेटली मुझे चैट पे बताएं ई की वैल्यू क्या होती है क्विकली। ई की तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है ना, ई हैज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकती है, है ना। क्विकली मुझे बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, किसी को ई की वैल्यू नहीं पता, ई की एक कॉन्स्टेंट, ई हैज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, देन वी हैव अ ग्राफ ई की पावर एक्स इज फाइन, लॉग टू बेस ई। केवल दो लोगों से आंसर आए हैं, एक जागृति से एक रिया से। James, the value of E is 2.7 and more precisely it is 2.71. तो E A can be 1, 2, 3, 4 any value. तो उसका expansion यही होगा. Like for example, 4 की power X क्या होगा? 1 plus X log base E 4 plus X square upon 2 factorial log base E 4 का square. Like this, this, this. ठीक है? If I put A equal to E, E की वैल्यू क्या होती है 2.71 exactly. But if I need E to power X का expansion, then what will be 1 plus X log E E plus X square upon 2 factorial log of E base E का square like this. अब हमको ये तो पता है ना कि log base E and E is equal to 1. तो हमारा e का एक्सपेंशन क्या निकल के आता है इससे,
वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल लाइक दिस दिस दिस। तो हमारा ये क्या निकल के आया रिजल्ट, e की पावर x, हमारा e की पावर x से निकल के आ गया। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में कई बार हमें डायरेक्टली e की पावर x का एक्सपेंशन यूज करना पड़ता है, तो आपको e की पावर x का एक्सपेंशन स्ट्रेट अवे अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, बट यू शुड ऑलवेज नो द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x। e की पावर x पता है तो e की पावर x हम निकाल सकते हैं, और e की पावर x सेपरेटली ही आता है पहले से, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन मोर क्विकली। ओके, सॉल्विंग द राइट क्वेश्चन एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन इन लेस टाइम दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको जोर देता हूं कि यू शुड सॉल्व मैनी मैनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब जब आपने e की पावर x एक्सपेंशन निकल के आ गया, e की पावर x एक्सपेंशन निकल के आ गया, तो अब हम देखते हैं एक और एक्सपेंशन, और वो एक्सपेंशन है साइन एक्स का। क्या साइन एक्स का भी एक्सपेंशन होता है? बिल्कुल होता है। साइन एक्स क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री का फैक्टोरियल प्लस, चलिए इसको, इसका भी एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप क्या करिए, एक्स से शुरू करिए, एक्स का क्यूब, एक्स की पावर फाइव, यू हैव टू राइट ऑल द ऑड पावर्स ऑफ एक्स एंड व्हाट यू डू, इसके बाद आप ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और अपॉन में क्या कर दीजिए, थ्री का फैक्टोरियल, जो भी उसके नीचे है उसी का फैक्टोरियल बना दीजिए। दैट इज साइन एक्स का एक्सपेंशन। इसको नोट कीजिए कॉपी में अभी व्हेन यू आर टेकिंग द क्लास, ठीक है। इनको नोट कीजिए, डोंट डिपेंड अपॉन द पीडीएफ, पीडीएफ आई विल सेंड यू, बट कीप मेक देयर नोट्स। कॉपी में लिखा होगा ना तो चार बार रिवाइज कर सकते हैं आप। ठीक ऐसे ही हम एक कॉस एक्स का एक्सपेंशन भी देख सकते हैं। कॉस का एक्सपेंशन क्या होगा? कॉस तो साइन से उल्टा चलता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, ऑड पावर्स ली थी, यहाँ पे हम सारी इवन पावर्स लेंगे। पहली पावर कहाँ से आएगी? एक्स की पावर जीरो से, वन। फिर क्या आएगा? स्क्वायर वाला। फिर क्या आएगा? एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल, एक्स की पावर सिक्स अपॉन सिक्स फैक्टोरियल, और ये भी क्या करता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और इसकी कहानी भी कॉस एक्स की साइन एक्स की तरह चलनी शुरू हो जाती है। जो ऑड का काम है वो यहाँ पे इवन का काम। लास्ट हम एक देखने वाले हैं, वो है टेन एक्स। टेन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन फिफ्टीन एक्स की पावर फाइव प्लस ऐसे 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 इसका एक्सपेंशन चलता है। तो इसके एक्सपेंशन का पैटर्न जो मुझे कुछ समझ में आया वो कुछ ऐसा सा लगा मुझे कि ऊपर टू है, नीचे थ्री और फाइव, थ्री इंटू फाइव, नीचे यहाँ पे अपॉन वन है तो थ्री इंटू वन थ्री, इसकी पावर फाइव है तो फाइव इंटू थ्री, इसने लास्ट की दो पावर्स का मल्टीप्लीकेशन ले लिया अपॉन में, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन इसका इस तरीके से बनता है। एक्सपेंशंस हम केवल इन्हीं को लेके चलते हैं, इन्हीं को यूज करते हैं, और ये एक्सपेंशंस हमारे कहाँ यूज होते हैं, जहां हमारा जीरो अपॉन जीरो फॉर्म कुछ बन रहा हो और ऊपर नीचे हम एक्स से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम वन जीरो अपॉन जीरो फॉर्म को रिमूव कर सकते हैं। आपको एक एक एग्जाम्पल दें आपको, ठीक है। आपने अगर इसको नोट किया हो तो इस एग्जाम्पल को एक हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको याद है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स हमारी वन आई थी, ये बात याद है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज कर लूं, ठीक है, फिर देखता हूं कि क्या मेरी लिमिट आती है। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, कोई अनम्यूट करेगा। इसको एक्स स्क्वायर कर देगा, इसको एक्स की पावर फोर कर देगा, इसको एक्स की पावर सिक्स कर देगा, ऐसे 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 कर देगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो में मुझे क्या निकालना है, अब पहले एक्स जीरो रख रहा था तो क्या आ रही थी, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर सिक्स अपॉन सेवन फैक्टोरियल प्लस
ऐसे ऐसे कुछ कुछ एक्स की पावर आती चली जाएंगी, ठीक है। अब मैं अगर एक्स को जीरो रखूं तो ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म नहीं है, तो जीरो सब्सिट्यूट करने पर क्या वैल्यू निकल के आएगी मेरी, वन माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस जीरो की पावर फोर अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस जीरो की पावर सिक्स अपॉन सेवन फैक्टोरियल प्लस दिस दिस दिस। इसका क्या वैल्यू निकल के आया, इट इज नथिंग बट वन। तो हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हुआ, वन आ गया। एक्सपेंशन के थ्रू भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन के बाद हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे, ठीक है। अब हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे, दो तीन थ्योरम देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम हम यूज करने वाले हैं, पहली है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए। ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन आप इसमें रख के देखिएगा, ठीक है, और आपको ये रिजल्ट अपने आप निकल के आ जाएगा, जैसे हमने साइन एक्स अपॉन एक्स के केस में करके देखा है, ठीक है। इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली याद रखिए, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज हो जाता है, ठीक है। ए की पावर एक्स के एक्सपेंशन से ही ये रिजल्ट निकल करके आएगा। दो लाइन का डेरिवेशन है, अपने आप कीजिए, इट इज लाइक अ क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर हमारी बनती हो, किस केस में, अगर लॉग बेस ई वन प्लस एक्स है अपॉन एक्स हो, तो डेट इज ऑल्सो इक्वल टू वन। इसको भी अगर आप लॉग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन रखेंगे, यू विल गेट वन। इसके अंदर आप एक एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं इसके थ्रू, पुट ए को अगर ई रख दिया जाए तो अब आप देखेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो में e की पावर x माइनस वन अपॉन x क्या हो जाएगा, log बेस ई दैट इज इक्वल टू वन। इससे हम एक डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं ना कि log मतलब लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन x हो तो दैट इज इक्वल टू वन। e की पावर x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू वन। इसको आप एज अ थर्ड रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। बहुत बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स अपॉन एक्स, इसको सॉल्व कीजिए। आई एम गोइंग क्वेश्चन नंबर टू, x टेंस टू जीरो a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन साइन x। क्वेश्चन नंबर थ्री, अभी थोड़ा स्पेस दे देते हैं अगर किसी को सॉल्व करना पड़े। लिमिट x टेंस टू जीरो टू की पावर x माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन। क्वेश्चन नंबर फोर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स। सॉल्व दीज फोर क्वेश्चंस, है ना, एंड स्टार्ट गिविंग द आंसर। सी दिस, कैन आई राइट दिस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो a की पावर x माइनस वन माइनस e की पावर x माइनस वन अपॉन x, एनी प्रॉब्लम? व्हाट इज दिस, log बेस e a माइनस log बेस e b, सो log a माइनस log b इज log बेस e a अपॉन b। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू, x इज इक्वल टू वन प्लस h, तो हमारी लिमिट क्या बन गई, लिमिट h टेंड्स टू जीरो a की पावर h माइनस वन अपॉन साइन पाई, x इज वन प्लस एच सो पाई प्लस पाई h, ठीक है। सो व्हाट इट विल बिकम, लिमिट h टेंड्स टू जीरो a की पावर h माइनस वन अपॉन
माइनस साइन ऑफ पाई एच, साइन पाई प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ठीक है। ऊपर नीचे अगर हम पाई एच से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, माइनस पाई एच से डिवाइड अगर कर दें, सो लिमिट एच टेंस टू जीरो ए एच माइनस ए की पावर एच माइनस वन अपॉन पाई एच, पाई एच से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन पाई एच अपॉन, ठीक है। सो दिस विल, दिस लिमिट विल बिकम वन, एच टेंस टू जीरो सो पाई एच ऑल्सो टेंस टू जीरो, ठीक है। सो दिस विल बिकम वन एंड दिस विल बिकम, पाई को बाहर ले लेंगे, वन अपॉन पाई ए टू पावर एच माइनस वन अपॉन एच, कितना बनेगा, लॉग ए, लॉग बेस ई ए, ठीक है ना। ए टू पावर एच माइनस वन अपॉन एच कितना होगा, लॉग ए। सो आंसर विल बी माइनस, यहां से आ गया, वन अपॉन पाई लॉग बेस ई ए, ठीक है, डेट इज द आंसर। समझ में आ गया, ओके। तो अब हम एक नया सेट शुरू करते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स मैं यहां पर दूंगा आपको, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ऑफ फाइव प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ फाइव माइनस एक्स अपॉन एक्स, log of 5 plus x minus log of 5 minus x upon x, इसको आप सॉल्व कीजिए। सो आंसर हैज कम अप, ओके लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, ओके चलिए, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। log 5 plus x minus log 5 minus x upon x, limit x tends to 0, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू जीरो में log ऑफ 5 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस log, इसमें मैं 5 कॉमन ले लूं, 5 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 5, बहुत सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम किसी को, मैंने चैट बॉक्स खोल रखा है, जल्दी जल्दी बताते रहिएगा, ठीक है। अगर इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, लॉग ऑफ फाइव, मल्टीप्लीकेशन में है तो ऐड कर सकते हैं, लॉग ऑफ फाइव प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन फाइव माइनस लॉग ऑफ फाइव माइनस log of 1 minus x upon 5 upon x, nothing expansion कर दिया है, कोई problem second step में, दिखने में बहुत लंबा है लेकिन है कुछ नहीं, log 5 multiply by 1 plus x था तो हमने इसको addition में डाल दिया, James log a into b is log a plus log b, ठीक है। इस स्टेप में भी कोई प्रॉब्लम हो तो पता है, ये log 5 से log 5 कट जाएगा, तो अगर ये कट जाएगा तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो में क्या मैं इसको log ऑफ 1 प्लस x अपॉन 5 अपॉन x, ठीक है, माइनस लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 माइनस x अपॉन 5 अपॉन x, इस लिमिट को कैलकुलेट कर सकता हूं ना। अब इसी में अगर मैं ये एक छोटा सा काम कर दूं कि इसको अपॉन 5 और 5 इंटू कर दूं, 1 माइनस एक्स की पावर 5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, सो लेट एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई, तो क्या होगा, एक्स टेंस टू जीरो है तो वाई टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो हमारी क्या बनेगी, लिमिट वाई टेंस टू जीरो लॉग ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 5y माइनस लिमिट x टेंस टू जीरो log ऑफ 1 माइनस y अपॉन y अपॉन 5y, ये बात समझ में आ गई। तो ये कितना बना,
ये कितना बना, ये तो वन हो गया, तो वन अपॉन फाइव माइनस लॉग वन माइनस वाई अपॉन वाई क्या बनेगा, अगर मैं नीचे माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से वो कर दूं तो ये प्लस बन जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए, y की जगह माइनस वाई। अब सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन इसी टाइप का दे रहा हूँ। x टेंस टू फाइव log ऑफ x माइनस log ऑफ फाइव अपॉन x माइनस फाइव, ठीक है, क्विकली सॉल्व कीजिए। ओके एवरीवन, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क लीजिए, इट्स अ होमवर्क, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और हमें वो करना है डिस्कस, ठीक है, टेक इट ऐसे होमवर्क, ठीक। नोट डाउन कर लिया था क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट। सॉल्यूशन नोट करना हो तो सॉल्यूशन यू कैन नोट डाउन। आंसर इज 2/5 ना लास्ट क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर है वो 1/5, ठीक है। जागृति नोट नहीं किया आपने, चलो ठीक है, आप नोट कर लीजिए, हम एक मीटिंग और शुरू करते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। सॉल्यूशन नोट कर लिया सबने, एवरीवन नोटेड, ओके ठीक है। सो नाउ एवरीवन प्लीज रिज्वाइन द मीटिंग, वरना कॉन्सेप्ट के बीच में कॉन्सेप्ट फंस जाएगा, ठीक है। सो आई एम एंडिंग द मीटिंग, रिज्वाइन कीजिए एंड वी विल स्टार्ट वन मोर लास्ट कॉन्सेप्ट इन लिमिट्स। जो कॉन्सेप्ट अब हम देखने वाले हैं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, वो एक थ्योरम है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ डेट इज अ थ्योरम, लिमिट्स की एक और थ्योरम है। एक फंक्शन है जिसकी लिमिट्स x टेंस टू a हो और वो fx क्या हो, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a ऑफ gx। अगर दो ऐसे फंक्शन हो fx और gx जिनकी लिमिट x टेंस टू a पर इक्वल हो और दैट इज इक्वल टू जीरो, एंड केस है ये, एंड लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन gx एग्जिस्ट करता हो, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं, ये दो कंडीशन समझ में आई। अगर ऐसा हो एग्जाम्पल कोई एक फंक्शन मेरे पास ऐसा है fx इज इक्वल टू x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है। एक फंक्शन मेरे पास है gx इज इक्वल टू x माइनस वन, ठीक है। तो ये कहता है कि इफ इसकी लिमिट क्या होगी x टेंस टू वन पे एफ एक्स की, लिमिट x टेंस टू वन पे जी एक्स की लिमिट क्या है, और दोनों की लिमिट इक्वल है, बोथ आर इक्वल जीरो जीरो, और लिमिट x टेंस टू वन निकालना हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स तो क्या होगा, x माइनस वन x प्लस टू अपॉन x माइनस वन, तो ये बना हमारा लिमिट x टेंस टू वन x प्लस टू, ये कट गया, तो क्या लिमिट बनी हमारी थ्री, यानी लिमिट एग्जिस्ट। अगर ऐसा कुछ केस हो, केस समझ में आया, कंडीशन समझ में आई सबको, एज एवरी वन अंडरस्टूड द कंडीशन ऑफ द थ्योरम, व्हाट इज द कंडीशन, देयर आर टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स सच दैट देयर लिमिट x टेंस टू a is equal and zero. Okay, James? If two functions fx and gx have a limit x tends to a equal to zero and fx upon gx exist, like in the example I have shown in the red, then what happens in such a case that this theorem will tell. So, kya hota hai is case mein? Then what happens is limit x tends to a 1 plus fx ki power 1 upon gx is equal to e ki power limit x tends to a fx upon gx. ye baat samajh mein aayi, have you understood this? Agar ye condition ho, if this is the condition, then this is the result. Then we will calculate the limit x tends to a fx upon gx and the result will be e ki power of e. ठीक है? Have you understood the condition and the result? James, understood? Note down the result in your notebook.
If this is the condition, then that is the result. So we will try to solve, understand this better by an example. Limit x tends to infinity upon x की पावर x, ठीक है। अब कंडीशन देखते हैं, क्या ये कंडीशन हमारी इसमें लगेगी। कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है कि 1 प्लस एफ एक्स, तो इसमें सबसे पहले एफ एक्स बताइए, और बताइए व्हाट इज एफ एक्स इन दिस केस, 2 अपॉन x, वेरी गुड। एंड व्हाट इज जी एक्स, जी एक्स इज x। इफ जी एक्स इज x, then this will be, if gx is x, then this will become 1 upon x. Here it is x. Means gx is 1 upon x. Gx is equal to 1 upon x. Then only 1 upon gx will become x. So, अब हम condition check करें. Condition क्या कहती है? Limit x tends to a or of fx. यहाँ पर a क्या है? A is infinity. So, what will calculate limit x tends to a of fx is equal to limit x tends to infinity of fx 1 plus what is 2 upon x. So this limit is 0. Similarly, pehli condition to true ho rahi hai hamari, first condition is true. Second condition kya hai? X tends to a gx. Kya hai? A is infinity, x tends to infinity. 1 upon x, gx is 1 upon x, that is also 0. So both are 0 and both are equal. Okay. Now, third condition kya hai? First condition humne check kar li, second condition humne check kar li, third condition kya thi? Limit x tends to a fx upon gx should exist. To kya hoga? Limit x tends to infinity, a infinity hai, fx is 2 upon x, and gx is 1 upon x. This becomes 2. So limit exists. So tino condition exist karti hai ya nahi karti hai? Or are all three condition are true or not? Tell me, JRJ, quickly tell me into the chat. Are all three conditions fulfilled? Kya tino condition fulfill ho gayi hai? Jisse hum ye theorem isme use kar sakein? जिसमें हम ये थ्योरम यूज कर सकें, क्या ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं? अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? 1 प्लस एफ एक्स होल की पावर जी एक्स का रिजल्ट क्या होगा मेरा? तो मेरा आंसर क्या बनेगा? e की पावर क्या था? x टेंस टू a, एफ एक्स अपॉन जी एक्स था, बना हमारा e लिमिट x tends to infinity, fx कितना था? 2 upon x, divided by gx कितना है? 1 upon x, तो क्या बना? e की power 2, ये तो हम निकाल ही चुके थे third step में, e limit x tends to fx upon gx, answer क्या आ गया? e square, ठीक है? तो एक question आपको दे दिया जाए solve करने के लिए, जागृति आपने question पूछा, how will I know whether the limit exists or not, हम कैसे पता करते हैं limit exists करती है? ओके जागृति अनम्यूट कीजिए। यस सर। अगर लिमिट में मेरी 0/0 फॉर्म नहीं आ रही हो तो हम कहते हैं ना लिमिट एग्जिस्ट करती है, एक बात। दूसरी बात हम एक और करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से पता करते हैं ना, अगर इक्वल है तो एग्जिट करेगी, नहीं होगी तो नहीं। यस yes, है ना? ओके यस सर। ठीक है, तो अगर आप इसको एक्स को इन्फिनिटी रखेंगे तो उसमें स्ट्रेट अवे ही हमें पता चल रहा है कि 2 अपॉन एक्स में लिमिट 0 बन जाएगी मेरी। 2 अपॉन एक्स का फंक्शन याद है आपको क्या था हमारा? ऐसा था ना, है ना? और एक्स कहाँ टेंड कर रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी नहीं प्लस इन्फिनिटी बोला गया है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो मेरी वैल्यू कहाँ जा रही है? 0 पे जा रही है ना, है ना? ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार हमें स्ट्रेट अवे बता देते हैं। और आपको भी याद है कंडीशन हमारी, एक फंक्शन हमने पहले डिस्कस किया था एफ एक्स इज इक्वल टू x of integer, greatest integer function is, जिसमें limit exist नहीं करती। सा ग्राफ हमारा कुछ ऐसा ऐसा होता था, याद है आपको? Yes sir। हाँ, वो सब चीजें भूलना नहीं है, ठीक है?
उस केस में हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन ये कंटिन्यूस ग्राफ है तो हमारी इसमें क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सब लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स नहीं है ये, साइन एक्स है, होल की पावर टू कॉट एक्स। इसमें आप स्टेप वन में पहले बताइए एफ एक्स क्या है, फिर बताइए जी एक्स क्या है, दोनों का लिमिट निकाल लीजिए। ठीक है, फिर इससे क्या निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो का एफ एक्स निकालिए, फिर इससे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो का जी एक्स निकालिए, फिर इनको क्या करिए चेक कीजिए। ठीक है, फिर थर्ड केस में क्या करेंगे आप, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो में एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकालेंगे। क्या ये एग्जिस्ट कर रही है? अगर ये एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है और मान लीजिए ये आंसर निकल के आता है हमारा फॉर एग्जांपल बीटा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर बीटा। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू, रिया टेक दिस क्वेश्चन और प्रॉपर सिस्टम प्रॉपर मेथड को फॉलो कीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी थ्योरम की। ठीक है, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी आपको थ्योरम की। जीरो आ रही है और इसकी लिमिट क्या आएगी, वन अपॉन टू कॉट एक्स क्या होता है, टेन एक्स, कॉट एक्स तो वन अपॉन टेन एक्स होता है ना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या हो गया आपका, निकालो आप, वन अपॉन टू कॉट एक्स, तो वन अपॉन टू कॉट एक्स क्या होगा, टू कॉट एक्स हो जाएगा नीचे, जी एक्स तो आपका वन अपॉन टू कॉट एक्स है ना, तो वन अपॉन टू कॉट एक्स हो गया, ये टू इंटू कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या निकल के आया हमारा, टू कॉस एक्स है ना। x टेंस टू जीरो पे लिमिट इसकी तो टू बन जाएगी डायरेक्ट, ये तो सीधे सब्स्टिट्यूशन से ही आ गया। तो जो हमारा टू निकल के आ गया तो उसका आंसर क्या होगा, e की पावर बीटा, हमारा क्या निकल के आया, टू, टू पावर, आंसर क्या बन गया, e स्क्वायर, e की पावर टू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व कीजिए। सर ऐसा मेरे साथ फोर्थ में हो रहा है, ऐसा आपके साथ, और थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड का बताइए पहले आप। थर्ड अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो आप सीधे फोर्थ पे आए हैं, ठीक है फोर्थ पे आते हैं पहले अदर पीपल। आप क्वेश्चन नंबर थ्री कीजिए, लॉग बेस थ्री थ्री एक्स होल की पावर लॉग बेस एक्स एट लॉग ऑफ थ्री, जी एक्स की वैल्यू बना रही है, क्या आपने इसको वन प्लस एफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया है प्रॉब्लम को? नहीं, उसके बिना ही कर लिया। नहीं तो ये जो हमारा कंडीशन है, कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन है हम किसकी लिमिट निकाल रहे हैं, वन प्लस एफ एक्स की। अगर हमारा ये फॉर्मेट हो लिमिट में, क्वेश्चन में ये फॉर्मेट हो, तो आपने वन प्लस एफ एक्स को रिया प्लीज रिपीट। अच्छा, आपने प्लस वन माइनस वन कर लिया था, ओके ठीक है, तो उससे भी हम कर लेते हैं। चलिए आपके स्टेप से सॉल्व करते हैं जैसे आपने किया है इसको, ठीक है, तो डेट कैन बी इंटरेस्टिंग वे। हम मैथमेटिक्स को ऐसे ही एक्सप्लोर करते हैं कि हम अलग अलग तरीकों से कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ऐसे ही मैथ्स को एक्सप्लोर करते हैं और हम इंजॉय करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये एक्स टेंस टू वन था, एक्स टेंस टू वन था, तो आपने क्या किया, वन प्लस लॉग ऑफ बेस थ्री थ्री एक्स माइनस वन कर दिया था, और ये आपका बन गया था लॉग ऑफ थ्री बेस ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा एफ एक्स क्या निकल के आता है, लॉग बेस थ्री थ्री एक्स माइनस वन, माइनस वन, ठीक है। और इस केस में हम जी एक्स क्या निकालते हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा आगे भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, लॉग एक्स कर दिया यहाँ पे और लॉग थ्री, ठीक है, बेस ई है इन दोनों का, अब बेस ई है, ठीक है ना, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है। अब हम लिमिट्स निकालना शुरू करते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं इस पेज में लिमिट्स। तो पहला हम लिमिट क्या निकालेंगे,
पहला कंडीशन जो है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू वन है और लिमिट निकालने वाले हैं हम एफ एक्स का, और एफ एक्स क्या है हमारा लॉग बेस थ्री थ्री एक्स माइनस वन। तो अगर मैं इसमें एक्स को वन रख दूं तो लॉग बेस थ्री थ्री माइनस वन कितना बनता है, सब्सटीट्यूशन कर सकता हूं उसमें, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म नहीं बन रही है मेरी, तो लॉग थ्री बेस थ्री क्या होगा, वन होगा, डेट इज जीरो। या मैं एक मिनट, ये स्टेप थोड़ा एडवांस लग ना लगे, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। क्या मेरी पहली कंडीशन सक्सेसफुल हो गई? एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, यस और नो, किसी को कोई डाउट है तो वन कैन स्पीक, अदरवाइज रिया इज ऑलरेडी डिस्कसिंग विद मी। यस सर। ओके सो बोथ ओके रिया, नेक्स्ट हम करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन जी एक्स निकालेंगे, है ना, लिमिट x टेंस टू वन में मेरा जी एक्स क्या है, मेरा तो जी एक्स ये आ गया कि log बेस ई एक्स अपॉन log बेस ई थ्री, ठीक है, तो log बेस ई थ्री और log वन, log वन क्या होता है बेस ई का, तो आंसर जीरो आ गया, ठीक है, तो दोनों कंडीशन में सक्सेसफुल। जीरो कैसे आया? log वन जीरो होता है ना, लॉग वन जीरो नहीं होता, जीरो अपॉन लॉग थ्री है, याद है हम सब्सटीट्यूशन कब लगाते जब हमारे जीरो अपॉन जीरो फॉर्म नहीं बनता, इट्स अ फर्स्ट स्टेप वी हैड रेड इन लिमिट्स, तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो हमारा फुलफिल हो रहा है। तीसरा अब हम क्या निकालने वाले हैं, हम बीटा निकालने वाले हैं, वो क्या कहता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये हमें निकालना है, ये हमारा थर्ड लास्ट स्टेप होता है, तो हमारा ये क्या होगा लिमिट x टेंस टू वन एफ एक्स हमारा क्या था log बेस थ्री थ्री एक्स माइनस वन अपॉन log बेस ये, इसको हम log बेस थ्री ही लेके चलते हैं, डेट विल बी बेटर फॉर अस, सेकंड जो है डेट विल बी अ log बेस थ्री इनिशियली ना, जी एक्स इज वन अपॉन log बेस log थ्री बेस एक्स, दैट इज लॉग एक्स अपॉन लॉग थ्री, सो इट विल बिकम लॉग एक्स बेस थ्री, तो क्या बना हमारा लॉग एक्स बेस थ्री, इसकी हमें लिमिट निकालनी है ना, ठीक है सर, अगर हम उसको लॉग बेस थ्री थ्री लिख सकते हैं तो वहां पर तो अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे आएगा, सेकंड स्टेप कैसे हुआ? सेकंड स्टेप में आप ये देखिए लिमिट x टेंस टू 0 पे निकालेंगे तो x को 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना, log 1 इज ऑलवेज 0 बेस, तो कुछ भी हो हमारा। ओके सर। भाई log के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है इसका मतलब। एवरीवन प्लीज रीड द log कॉन्सेप्ट्स आफ्टर दिस क्लास, टुडे इज द होमवर्क, जेम्स यू विल आल्सो रीड, सेल्फ स्टडी करेंगे आप सब लोग, ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टॉकिंग सम लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट्स, I'll be asking the questions. ठीक है, you have to go through these concepts. ठीक है, अब हमारा क्या बना ये limit? Okay, sorry, someone had come. ठीक है, अब क्या होगा ये log base three x को हम क्या लिख सकते हैं? Log base three three plus log base three x minus one upon log base three x. लिमिट x टेंस टू वन, ठीक है, थ्री एक्स इज थ्री प्लस लॉग थ्री प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, सिन देन व्हाट इज दिस, दैट इज इक्वल टू वन, लॉग थ्री बेस थ्री तो वन होगा, तो क्या बनेगा हमारा लिमिट x टेंस टू वन वन प्लस लॉग बेस थ्री एक्स माइनस वन अपॉन लॉग बेस थ्री एक्स, तो ये क्या हो गया लिमिट x टेंस टू वन, ये तो वन और वन तो कट गया, ये तो क्या बना हमारा log बेस थ्री एक्स अपॉन log बेस थ्री एक्स, इट इज इक्वल टू वन, तो बीटा कितना आया हमारा वन, सो दिस गिव्स बीटा इज इक्वल टू वन, तो हमारा आंसर क्या बनेगा e की पावर बीटा, व्हाट इज बीटा वन, e की पावर वन, दैट इज आंसर इज वन, किसी को कोई डाउट?
हाँ जी, एमसी विल पुट द वीडियो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रह गया। अब इसी क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल वे से सॉल्व करने वाले हैं, जिसको मैं कहने वाला हूँ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। हमेशा ऑल्टरनेट होने चाहिए। अब आईआईटी जे में क्वेश्चन आएगा तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्या था, हमारा था लिमिट x टेंड्स टू वन लॉग बेस थ्री थ्री एक्स होल की पावर लॉग बेस x थ्री। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू वन, इसको सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना, खाली इस पोर्शन को क्या बनेगा, ये हमारा लॉग बेस थ्री ऑफ थ्री प्लस लॉग बेस थ्री ऑफ एक्स लॉग की पावर बेस एक्स थ्री डेट इज इक्वल टू वन प्लस लॉग बेस थ्री एक्स होल की पावर लॉग बेस एक्स थ्री। ठीक है, तो हमारा इसमें एफ एक्स और जी एक्स क्या है, एफ एक्स और जी एक्स क्या होगा हमारा,